तो गैस बिट्टू आने वाला है मेरा, जस्ट चीनू गए हैं उसको लेने के लिए। उसका वेट करने में इतना अच्छा लगता है, जब वो स्कूल से आता है तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, मतलब ऐसा लगता है फट से आ जाए। तो बिट्टू आ रहा है, ये मेरा बेटा आ गया। अरे अरे स्माइल कर दो, एक प्यारी सी, आ जाओ आ जाओ, ठीक है। पढ़ाई करके आ गए भैया, पढ़ाई करके। शूज उतार रहे हैं भैया अभी अपने। मेरा भैया क्यों, तो भैया है, शूज यहाँ पे रख दो बेटा। मैं थक गया हूँ। बेबलू, ए बेबलू, पढ़ाई क्या किया आज आपने बच्चा? तो हम लोग निकल चुके हैं घर से, जा रहे हैं जिम। अभी 2 दिन की छुट्टी हो गई थी हमारे जिम की, एक दिन संडे पड़ गया था और एक दिन मुझे जाना नहीं था, फर्स्ट डे था, तो इन 2 दिन की छुट्टी हो गई थी, आज हम जा रहे हैं। हाँ चीनू, मजा आ रहा है कि नहीं? एक दिन सैटरडे था इसलिए नहीं गए थे, एक दिन संडे था इसलिए नहीं गए थे, एक दिन हम मंडे था इसलिए नहीं गए थे। अच्छा, ऐसा है हम लोगों का। शट अप। तो गाइस हम जिम से आ गए थे और जिम से आते ही चीनू को लगता है बनाना शेक, तो मैंने फटाफट बनाना शेक रेडी कर लिया है, अब चीनू पियेंगे। लो, इतना बड़ा ही पीना पड़ता है। यू वैन, पापा बनाना शेक पी रहे हैं, ठीक है। तो गाइस ये बिना शुगर का है, शुगर अलाउड नहीं है चीनू को बिल्कुल भी। हाँ बेटा, क्या बेबी लेटू? अच्छा आ रही हूँ, तो मैं लेट गई हूँ मेरी बुग्गा के पास। क्या है बुग्गा? मेरी बुग्गा जो है ना, ये प्यारी सी बुग्गा, ये बुग्गा और फुग्गा दोनों है। पापा को उसने नीचे ढकेल दिया लेटने के लिए, मम्मा को सुलाने के लिए। मम्मा कब आएगी, कब सोएगी, तब तक मैं नीचे ही पड़ा। मैं सो रही थी उसके पास पहले से। ओके चीनू, तुम बाद में लेटे तो इसलिए उसने तुम्हें धक्का मार दिया। ओके ओके बेबी, ओके बेबी। मेरा जो ये है ना, ये फोटो जो मैंने लगा रखा है, हाँ। मैं भी इसमें से ये इसको, इस लड़के को हटा देता हूँ। क्या यार चीनू, बुग्गा की बात पे बुरा मानते हो आप? बुग्गा तो ऐसे ही है, प्यारा सा बुग्गा। मेरा बेटा बहुत क्यूट है, बहुत क्यूट। ऐसी है, संभाले संभलता नहीं ये दिल। ऐसा कुछ नहीं, अपन दोनों को जितना एक साथ आता जाता कुछ नहीं है अपने। नहीं, जितना आता है एक साथ ही आता है, और जितना नहीं आता फिर नहीं आता, है ना? साथ ही आता साथ ही जाता है, है ना? सेम टाइप के कमा रहे हैं। ये आई लाइक इट बेबी। तो गाइस मैंने अपनी ड्रीम कार खरीद ली है। MG, वही किसी पे 1 साल पहले खरीदी थी। 1.5 साल हो गया उसको खरीदे। 1.5 साल हो गया। ड्रीम कार नहीं थी पर उसको ही ड्रीम बनाना पड़ा क्योंकि पैसे उतने थे। नहीं यार, कितनी अच्छी गाड़ी है हमारी, सनरूफ पूरा खुलती है। यस यस। फिर मैं तो मैं कार गिफ्ट करूंगी। कौन सी हो? 5 साल बाद। 5 साल अब चाहे तुम घर ले लो चाहे कार ले लो, 5 साल मतलब 2029 तक। मुझे तो बाबा वो चाहिए ना, एप्पल वॉच। एप्पल वॉच तो मैं तुमको अभी बर्थडे पे ही दे दूंगी। तुम बताओ क्या चाहिए इन दोनों में से, बड़े चीजों में से? बहुत सोच समझ के जवाब दिया जाएगा ना बाद। बताएं, अभी सोचना पड़ेगा उसके लिए। गाड़ी तो क्या, अगर आप इतना महंगा दे रहे तो गाड़ी से तो अच्छा है कि कोई प्रॉपर्टी होना चाहिए ना। प्रॉपर्टी होना चाहिए उसके आगे खड़ी करने के लिए, कार बाद में होनी चाहिए। क्या है कि ना, मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आप अगर मुझे फोन दिलाओगी तो आज नहीं तो कल खत्म होना ही है, वैसे गाड़ी का भी। गाड़ी भले कितनी महंगी हो सस्ती हो, आज दिलाओ कभी ना कभी खत्म होना ही है।
पर लैंड एक ऐसी चीज रहेगी कि वो मैं मेरे मरते दम तक तो रखूंगा, उसके बाद कोई क्या करेगा वो नहीं करता। मैं बर्थडे पे तुमको ना सोच रही थी दो चीजें, पर तुम्हें बताने का नहीं सोच रही थी। नहीं नहीं बता जब तो इन्होंने अपने मन से ही बता दिया है कि इनको वॉच चाहिए, एप्पल वॉच चाहिए, तो मैंने सोचा था कि इनको अच्छा वाला एक ब्रेसलेट ला करके दूँ गोल्ड का। अब तुम सोच लो घड़ी चाहिए या ब्रेसलेट। घड़ी घड़ी ब्रेसलेट पक्की बात है। जिन्हों देखो जैसे फाइनल अभी कदम है, बार बार तो तुमसे पूछूंगी नहीं, अब ये अब सीधे बर्थडे पे ही गिफ्ट करूंगी। नहीं नहीं पूछ लेना, बीच में भी ऐसे कोई दिक्कत वाली बात नहीं। नहीं मतलब वही मैं पूछ रही थी कि ब्रेसलेट चलेगा पक्का तो लॉक करा जाए इसको। हाँ है? नहीं रे बाबा ब्रेसलेट फेसलेट नहीं, अपने को घूमने जाना है अभी। हाँ चलो ठीक है, एक चीज सोचते हैं। हाँ। करते हैं कि पहले मुझे तो सुनो, तुम तो एक हॉलीडे ट्रिप स्पॉन्सर कर दो। नहीं वो तो मैंने सोच रखा है कि मैं तुमको ना अभी नवंबर दिसंबर तक एक हॉलीडे ट्रिप करूँगी, है ना, प्लान कर ही रहे हैं। वैसे तो अपन प्लानिंग चली रही है हमारी, तो ऐसा हम करें, है ना, जाएं हॉलीडे आउट ऑफ कंट्री। ठीक है, और दूसरा तुम्हारे बर्थडे का मैंने सोच रखा है कि तुम्हारे बर्थडे पे मैं कुछ अच्छा सा गिफ्ट करो जो कि गोल्ड हो उसमें, चाहे वो हाँ ब्रेसलेट हो, रिंग हो या फिर गोल्ड चेन। अरे मुझे बॉडी का मतलब इनको ना पहनना अच्छा ही नहीं लगता, रिंग तो इनको बिल्कुल पहनना नहीं, इन्होंने सब उतार रखा है, पर मेरा मन है कि वो मोटी जो कड़ी वाली अभी चल रही है ना चेन, वैसी या फिर ब्रेसलेट। वैसा ब्रेसलेट का सोचेंगे, ट्राई कर सकते हैं। हाँ पक्की बात है। ठीक है, तो ट्रिप तो अभी हम कर लेंगे, तुम्हारे बर्थडे के भी 2-3 महीने पहले। वाह यार, 2 महीने पहले बर्थडे के। तुम तो मतलब पति लोग कैसे करते जो कमाते, तो अरे अभी पैसे नहीं ऐसा वैसा, तुमको तो बोलो तो अरे तो मैं अभी दे दूंगी। अच्छा ये भी दे दूंगी। ऐसा कमाने वाला व्यक्ति होना चाहिए। अच्छा ये ठीक है ले लेना कोई दिक्कत। हाँ तो यार तुम ही हो शुरू, तुम ही हो अंत, इनसे ही शुरू इनसे ही अंत, तो फिर कहाँ खर्च करूंगी जाके बताओ। यूवी के तो स्कूल वालों ने, यूवी और तुम दो ही खर्चे हैं मेरे। नहीं पर यूवी का तो गोल्ड निकलवा दिया स्कूल वालों ने, तो उसको तो दिलाना नहीं है। नहीं मुझे ही दिला देना, क्या कर सकते हैं, बहुत मजबूरी में मुझे लेना पड़ रहा है। सो गाइस इस बार हम जहाँ पे भी जाएंगे ना, अभी तो हमने डिसाइड नहीं किया कि हम कहाँ जाएंगे, पर हम जहाँ भी जाएंगे ना इस बार बहुत मजे करके आएंगे गाइस, बहुत शानदार। क्यों हर बार करते हो तो मजे हर बार करते हैं, इस बार हम यूहू के साथ जाएंगे आउट ऑफ कंट्री। क्योंकि यूहू के साथ हम कभी नहीं गए, हम अकेले ही गए हैं, तो यूहू के साथ हम जाएंगे इस बार, खूब उसको मजे करवाने हैं भाई, मुझे तो दिखाना है, बाहर का एक्सपीरियंस कराना है मुझे उसको। गोवा गए थे पिछली बार तो, गोवा गए थे तब वो बहुत छोटा था, तो उसने नहीं बीच पे से भी नहीं आया था, बीच पे रेत में ही पूरा टाइम खेला है वो, तो इस बार हम उसको और ज्यादा चीजें दिखाना चाहते हैं, सारे बहुत सारा एक्सपीरियंस करवाना चाहते हैं। नाम निकलने वाला था काय का कि कहां जा रहे हैं, नहीं वो नहीं हम बता सकते अभी, हमने अभी क्योंकि हम सोच ही रहे हैं। अभी हमने सिलेक्ट नहीं किया है, हमने 4-5 जगह सोच रखी है, उनमें से कहाँ जाएंगे वो हम तभी बताएंगे आपको, अभी से नहीं। सो पहुंचने के बाद नहीं टिकट करके बता देंगे। हाँ टिकट करके तो बता ही देंगे। तो चीनू अब आप बताएं, आप मेरे बर्थडे पे क्या देंगे, मेरा बर्थडे तो आपसे पहले आने वाला है। मेरा तो अभी सितंबर में आने वाला, मतलब अभी 1 महीने बाद ही। तो आप क्या गिफ्ट कर रहे हैं ये बताएं। तुम्हारे बर्थडे पे मैं तुम्हारे जैसा नहीं हूँ। फिर कैसे हो तुम? मैं तुमको बता के नहीं करता, मुझे बता के करोगे तो मुझे अच्छा लगेगा कि मुझे जो चीज़ की जरूरत है वो दिला दो। नहीं नहीं मैं छुपा के करता हूँ, दूसरा मैं इतना उदार भी नहीं हूँ कि अच्छा ये चाहिए ले लो, अच्छा ये चाहिए ले लो, इसलिए मैं बताता भी नहीं हूँ, नहीं तो तुम बताओगे कि ये चाहिए कैसे दिलाऊंगा।